जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था सिंगरफ बनाने का तरीका, जो कि हमने एक बड़े स्टील के पात्र में बनाया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था घी और शहद बहुत ज़्यादा मात्रा में लग जाता है। तो आज हम इसको एक कप के अंदर, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, उसको हम एक कप के अंदर बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर घी और शहद की मात्रा जो बहुत कम लग जाती है। और इसका ये दूसरी एक तरफ से हमने पका लिया था, अभी ये इसको हम दूसरी तरफ से पका रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी और बहुत सारी जानकारी वीडियोस आपके लिए हम लेके आते रहेंगे। तो ये देखिए, इसके अंदर हम उसी तरह से घी डाल रहे हैं। घी की एक मोटी सतह इसके नीचे बनाएंगे, उसके ऊपर शहद डाला जाएगा, शहद के ऊपर फिर काली मिर्च, उसके बाद इसके ऊपर सिंगरफ, सिंगरफ के ऊपर काली मिर्च, काली मिर्च के ऊपर शहद, शहद के दोबारा फिर घी। इस तरह से तय बाई तय, जैसे नीचे रखा था उसी तरह ऊपर रखते जाएंगे। तो ये सिंगरफ का आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, ये नमर्दी के लिए अक्सीर है। जो लोग किसी भी दवाई से ठीक नहीं होते, नमर्दी की बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं मगर आराम नहीं आता, एक बार इस सिंगरफ को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे नामर्दी, शीघ्र पतन, ढीलापन, तनाव बिल्कुल ना आना, जहाँ आकर ढीला पड़ जाना, सभी के लिए ये सिंगरफ जो है एक्सीर का दर्जा रखती है। मैं बहुत देर से इसको बना रहा हूँ, ये मेरा मामूली मतलब है। और ये गुजारिश भी करता हूँ कि जो वैद्य लोग हैं इसको बनाकर इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसका रिजल्ट मैं ले चुका हूँ, मेरा अनुभूत है, आजमूदा है। एक बार आप भी इसको जमा कर देखें, इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। अगर आप वैद्य नहीं हैं तो किसी से बनवा लें, तो इसको इस्तेमाल करके देखें। अगर अच्छा बन गया, बढ़िया बन गया, तो इसका अगर आपने 35, 30, 40 दिन इस्तेमाल कर लिया, तो सारी ज़िंदगी आपको किसी और शीघ्र पतन की या फिर नामर्दी की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आपने अपना जो वीर्य है अपने हाथ से ख़त्म कर लिया है हस्तमैथुन करके, या फिर आपकी जो लिंग में जो नसें होती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, दब चुकी हैं हस्तमैथुन की वजह से, वहाँ पे ये एक जान पैदा कर देता है, शरीर के अंदर कांति लाता है, चेहरे का लाल कर देता है, और आपको जो बुढ़ापे की ओर जो बढ़ रहे हैं उनको ये जवानी की ओर लेके आता है। तो ये देखिए, हमने आपने पूरी विधि इसकी देख ली है वीडियो के अंदर। तो ये अभी इसको आधा घंटा हुआ, ये घी और शहद मेल्ट हो चुके हैं, नीचे आग इसके जल रही है, आग बिल्कुल मंद रखनी है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।